भाई पास उड़ जा भाई कच्चे मैन। मेरा बच्चू मेरा हैरू हैरू गलत बात है। भाई पास उड़ जा भाई कच्चे मैन। वैन की यहाँ कच्चे में बैठा हुआ है भाई, बना तो ब्लॉग में जा रहे हैं बाइक लेने वैसा वैसा भाई, वही बन रहा है भाई। है तो चचा अब छुपा लिया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे हैं अपने यहाँ रावत अभी। तो यार आज का क्या, रात में हम यहाँ बिलासपुर आ गए थे क्योंकि हमारी बाइक हो चुकी है रेडी रेडी पैंथर जो हो चुकी है रेडी। पर जहाँ के उसका ना चेक करेंगे कि कुछ खराबी या कुछ दिक्कत कुछ ये तो नहीं है, तो वो चीज़ें सारी चेक करेंगे देन लेके चलेंगे घर। और बिलासपुर आ गए थे हम गुगलू के पास रात में क्योंकि यहाँ से पास में है। अब सुबह जमसाई मतलब जमसाई से आते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और थोड़ा छोटा मोटा काम और भी है। अगर हम सुबह बाइक लेने भी आते एक घंटा लगता आने में, देन बाइक चेक करने में एक डेढ़ घंटा तो बाइक चेक करने में लगेगा ही लगेगा क्योंकि सब चीज़ें देखनी पड़ेगी हर चीज़। तो इसलिए हमने प्लान बनाया कि हम रात में आ जाएंगे। मार सूजल आ गए थे रात में बाइक से, देन अभी निकलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 10:30 के आसपास टाइम हो रहा है। देन बस पार्सल रेडी हो रहा है, मैं हो गया हूँ फ्रेश भी आ रहा और मतलब फ्रेश भी आ रहा सब हो गया हूँ, देन रेडी भी हो चुका हूँ। बस पार्सल रेडी हो जाए फिर निकलेंगे, फिर निकलते हैं यहाँ से। हम करीबन 10-15 मिनट का रास्ता है। तो बस सूजल भी हो चुका है भाई, हाथ में तो मुँह तो धो ले, तो फेस वॉश ले लेना। नहीं यार, अरे देसी जुगाड़ कच्चे मैन कच्चे दे। पहुंच गए अपने यहाँ के सर्विस सेंटर में जहाँ पे अपनी पैंथर को दे रखा था बाइक को, और अपनी बाइक ये है मतलब। सही है, बिल्कुल हो चुकी है, बिल्कुल ओके। अब देखते हैं पता करते हैं वैसे कि क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज हुई है, क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं हुई है। फाइनली पैंथर हो गई, पैंथर मिल गई अपन को। बस मेन चीज़ ये है कि अब ये जाएगी नहीं दिल्ली, अपन निकलेगा बस में। चलो भाई निकलते हैं। बस अपने ना शीशे नहीं लगे और सब लग गए, और साइड से ना वैसे दिखाना सामने वाला व्यू था, बट वो ये कि अपन का जो अपन का हेलमेट है वो दिल्ली चला गया है भाई के साथ, क्योंकि उसके भी जो होता है मैकेनिज्म टूट गया है, तो चक्कर में वो मैंने दिल्ली भेज दिया था। और दूसरी चीज़ क्या बता रहा था मैं, तो इसमें तो एनी माउंट दूसरा हेलमेट है यार, पर वो लगाया नहीं मैंने क्योंकि ड्रिफ्टर था वो वाला भी था मेरे पास, पर मैंने लगाया नहीं, वो मैंने 500 रुपये दे दिया क्योंकि उसका वाइजर ना वाइट था और मुझे वाइट वाइजर बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो ये होना चाहिए तो कोई और होना चाहिए सबसे बढ़िया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं इस बार व्यू ना दिखाओ, ऐसे ही दिखा लो क्योंकि मुझे तो अपनी बातें रखनी है ना, क्योंकि यार बहुत कितने टाइम से 27 तारीख से मेरी बाइक सर्विस सेंटर में पड़ी थी, आज अपनी पैंथर अपने हाथ में है। अब इसकी चीज़ें या सी अब इसकी चीज़ें लानी है, मतलब ये कि अब इसकी जो जो चीज़ें चेंज है, जैसे इंडिकेटर भी भाई अब कंपनी वाले अब पैंथर को थोड़ा ना अलग लुक देंगे, जो पहला था उससे थोड़ा सा अलग ही दूंगा अब इसको, और अच्छे से बनाएंगे। बट उसके बाद ना बनाने के बाद अच्छे से चलेंगे क्योंकि भाई रोड में कुछ पता नहीं है कौन कहाँ से कब आ जाए, ये चीज़ मैंने उस दिन देख ली थी। तो भाई अब यही चीज़ देखते हुए ना मैं चलूँगा, चाहे मैं अपना सीधा भी चल रहा हूँ, अगर मैं खड़ा भी हूँ तो भाई मैं पहले रॉन्ग वे में देखूँगा ज़रूर कि ऐसे ना रॉन्ग वे से कोई और बंदा आ रहा हो, ये चीज़ें क्योंकि नुकसान कर देते हैं फिर बंदे भाग भी जाते हैं, तो ये सीन अलग गंदा लगता है। कोई नहीं, 27 तारीख के बाद से आज होगी 17 मतलब यार करीबन
क्या मतलब 20 समथिंग डेज से अपनी पैंथर अपने से दूर थी, तो भाई सब चीज़ें हो गई है। चलो यार खींचते खींचते गए भी, यहाँ पे तो चौक है भाई, चौक से ना धीरे से निकलना पड़ेगा, पुलिस वाले होते हैं। और अपन ने जैसे कि भाई बहुत टाइम से अपनी बाइक की साउंड नहीं सुनी थी, तो उस चक्कर में अपन ने डीबी किलर हटा रखा है। भाई कान ना तरस गए थे मेरे, सही बताऊँ तो कान जो मेरे थे वो तरस गए थे कि भाई मेरे को पैंथर की आवाज़ सुननी है। और इतने टाइम से बाइक भी नहीं चलेगी, आज अपने हाथ में बाइक है तो मज़ा आ रहा है। मज़ा क्या, धीरे भी चलूँ तो तब भी भाई अलग फीलिंग है, क्योंकि अपनी पैंथर अपने पास है। और जो भाई जो एस्टीमेट बताया होगा मैंने वीडियो में, याद नहीं मेरे को, जो एस्टीमेट उस दिन बना था वो 30,000 समथिंग का बना था, ठीक है। बट जो अब एक्चुअली जो मेरा पैसा लगा है जो मेरा एक्चुअली मेरा पैसा लगा है वो मेरा समथिंग 16,400 रुपये लगा। मतलब भाई कहाँ 30 कहाँ 16,000, मतलब इतना नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सारी सिस्टम चल सही थे, बस बॉडी के पार्ट्स ही टूटे थे जो आगे, और कोई कुछ कुछ ठीक, कोई कोई चीज़ें ठीक थी, और जो जो चीज़ें ठीक थी तो उसमें कुछ किया नहीं, वो चीज़ें वही लगा दी। अब भाई अभी तो इंश्योरेंस मेरा क्लेम भी नहीं हुआ, अप्रूवल पता नहीं उसका मिला है नहीं मिला, इन्होंने तो भेज दिया है। अगर इन्होंने भेज दिया वो चीज़ें पता करनी पड़ेगी कब तक उसका क्लेम आता है, अगर वो अब वो कोई चिक 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 बाजी ना करे, क्योंकि वो क्लेम वाले इतनी चिक चिक बाजी कर रहे हैं ना, पहले भी जाए भाई इसका ये टूटा वो नहीं टूटा, जैसे राइट साइड वाला दे ही नहीं रहे थे वो, और राइट साइड की फेयरिंग टूटी हुई थी, टूटी के मतलब अंदर से जो लॉक सिस्टम होते हैं ना वो टूट गए थे, अब वो बदना मान नहीं रहा था। अब भेज दिया इन्होंने अच्छे से वीडियो वगैरह बना के, और ये बात है कि ये सर्विस वाले ना भैया ना जो थे, ये ऑनर ही है, इन्होंने ना पूरा वो किया है, कोऑपरेट किया है भाई कि कोई मैं दिलाऊंगा, मतलब क्लेम कि ये टूटा है तो टूटा है, क्यों इस साइड का, मतलब इन्होंने ये चीज़ बोली भाई मैंने सब कुछ दे रखा है, मैं बात करूंगा उससे कि भाई इस चीज़ में क्या दिक्कत है। तो है यार यही है कि इंश्योरेंस कराओ तो अच्छी कंपनी का कराओ, बस ये होता है कि प्राइवेट और सरकारी में तुम्हें ये डिफरेंस मिलता है कि सरकार, अगर तुम कोई सरकारी इंश्योरेंस करा रहे हो तो उसमें ना तुम्हें क्लेम वाला वो कम मिलता है, जो प्राइस लगता है वो थोड़ा कम लगता है, बट प्राइवेट में ज़्यादा लग जाता है, पर कब ये ना बहुत वो चिकचिकबाजी करते हैं फिर। तो चलो यार खींचते हैं, पेट्रोल भी है, मतलब जितना उस दिन छोड़ा था ना उतना ही पेट्रोल है, तो मुझे लग नहीं रहा कुछ निकाला भी हो इन्होंने। क्या पहुँच गया मासी के घर, जहाँ मैं अपनी बाइक को पार्क करूँगा आज। देन ये नहीं, आज इसमें ना जो चीज़ें चेंज हुई है, कुछ कुछ चीज़ें ना अलग से चमक रही है, जैसे ये कभी उसमें दिखा ही नहीं है, पर आज दिख रहा है, पता नहीं सही तो है गलत है, या इस पर भी यहाँ पे भी साइड से क्या पता कवर होता हो, पता नहीं है, इतना जाना है कभी दिखते नहीं, क्या पता। हम इसको लगाएंगे साइड, मासी स्कूटी थोड़ी आगे करेगी, पीछे लगाऊंगा, देन इसको ना कवर कर दूंगा चद्दर से मैं इसको कवर कर दूंगा, फिर
फिर और बस भी, बस की भी टिकट मैंने बुक कर लिया दिल्ली की, जहाज ही निकलूँगा दिल्ली भी क्योंकि बहुत टाइम के बाद, क्योंकि थोड़े दिन में वापस आना है, एक हफ्ता 15 दिन में वापस से आने पर बाइक ले जाने का फ़ायदा नहीं है। दैन इसके लाएंगे सामान वगैरह दिल्ली से जो इसमें लगानी है, अलग से एसेसरीज वगैरह। तो यार घर पहुँच गया, बस थक गया यार, बाइक लगा दी मासी के घर पर, अब पहुँच गया सुजल के घर पर, मामा के घर पर मतलब। देन थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि 7 बजे की बस है अपनी दिल्ली की, तो करते हैं रेस्ट यार, थक गए मैं फालतू में, नींद भी आ जाएगी, नींद भी पूरी नहीं रात की और भूख भी लग रही है। अब बन रहा है खाना, पहले खाना खाएंगे फिर रेस्ट करेंगे अच्छे से, क्योंकि टाइम हो गया आई थिंक 3 बज गए, 3:11 हो चुके हैं। अब बस यही है, पैंथर आ गई है घर पर, मासी के घर में खड़ी की है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में यार। तो भाई आ गई अपनी बस, तो चलो बैठते हैं। भाई जैसे कि ना सुबह मैं पहुंच चुका था 5 बजे करीब बस से, बट वही है कि मैंने उस टाइम व्लॉग कर नहीं पाया क्योंकि ना यार फ़ोन की ना बैटरी ख़त्म हो गई थी और जो बस में चार्जिंग पोर्ट था वो चल नहीं रहा था, तो उसकी वजह से मैं चार्ज भी नहीं कर पाया था। देन पहुंच गया था मैं 6 बजे, वैसे पहुँची तो बस 5 बजे करीब थी, बट वही बात थी कि ट्रैफिक लगा हुआ था बहुत ज़्यादा बाईपास के वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत टाइम लग गया और बीच में भी कहीं ट्रैफिक था भाई। जस्ट अभी उठा हूँ, सो गया, टाइम जो हो रहा है ना अभी 2 बजने वाले हैं। और ये मेरा बच्चू, मेरा हैरू, हैरू गलत बात है, हैरी ये नहीं करना, ले ले। तो भाई ये इतना ज़्यादा खुश हो जाता ना देख के, ये क्या ही बोलूँ मैं। देखते हैं, बट ये पागल हो जाता है, पागल हो जाता है, मैं शादी करता ही हरकतें ऐसी।